प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर एक महिला प्रेम पत्र लेकर पहुंचने की वजह से सनसनी फैल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर एक महिला की जिद से सनसनी फैल गई है। कानपुर नगर के नवाबगंज की रहने वाली हेमा श्रीवास्तव ने सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचकर उनसे मिलने की जिद शुरू कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन 5 जून को लखनऊ पहुँची हेमा श्रीवास्तव ने अपने आप को सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेमिका बता रही है और उसका दावा है कि योगी आदित्यनाथ पिछले एक वर्ष ऑनलाइन सुबह से लेकर रात तक उसके साथ रहते हैं। यह महिला तलाकशुदा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसका क्या रिश्ता है यह तो पड़ताल का विषय है, लेकिन यह 100 रुपये के स्टैंप पर उन्हें अपना प्रेम पत्र लिख कर ले आई है। महिला वह योगी को सीधे सौंपना चाहती है और इस प्रेम पत्र में उसने बहुत कुछ लिखा है। हेमा का कहना है कि आपके व्यक्तिगत जीवन पर कुछ भी असत्य कहने पर क्या कार्रवाई हो सकती है, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप 1 साल से सुबह से रात तक मेरे साथ ऑनलाइन रह रहे हैं और अब आपको वास्तविक जीवन में भी मेरे साथ रहना होगा। उसने इस पत्र में लिखा है कि मेरी शादी एक लालची परिवार में हो गई थी और अन्य किसी व्यक्ति को मैं नहीं जानती। लोगों का कहना है कि एक संत के ऊपर इस तरह की बातें कहना एक मूर्ख का दर्शाता है। फिलहाल मामला क्या है, क्या युवती मानसिक रूप से बीमार है या किसी वजह कोई और है, यह तो पुलिस की पड़ताल में सामने आएगा। अभी इस विषय पर सरकार की ओर से कोई बयान नहीं है, सरकारी प्रवक्ता ने अभिज्ञता जताई है। देखिए, कोई मोबाइल नंबर के थ्रू तो बातचीत होती नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रिपोर्टर भी रहते हैं साथ में, तो अपनी सारी योजनाएं बताते रहते हैं, इधर उधर की कई तरीके की बातें करते हैं। उसी में काफ़ी बार उन्होंने कहा इधर आओ और मतलब आई लव यू भी बोला कई बार, तब हमें पता चला उनकी फीलिंग क्या है ना। उनकी फीलिंग के बेस पर ही हम इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस में सच्चाई नहीं है। जब हमने उनके इमोशंस में सच्चाई देखी तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करेंगे, हम पूरी लाइफ इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। हमें पता है वो सन्यासी हैं, मैरिज के सपोर्ट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं उन्हीं के संरक्षण में रहें, हमें सेकेंड मैरिज ना करनी पड़े, उन्हीं के साथ में रहें। उनको मतलब छोड़ नहीं सकते अब हम, कि नहीं उनको भूल जाएँ और उनके साथ जो 1 साल से हम जुड़े हुए हैं सारी बातें भूल जाएं। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से अकेले, कभी हॉस्टल में रहते हैं, कभी रेंट का रूम लेकर के रहते हैं, ऐसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेंटली हम डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहे हैं। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है हम क्या कर रहे हैं क्या। मम्मी भी कहती है कि नहीं सेकंड मैरिज कर लो, लेकिन हम सेकंड मैरिज के सपोर्ट में इसलिए नहीं क्योंकि हम इनको नहीं भूल सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार ही सामने आकर के बातचीत कर लें, जो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 1 साल से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आमने सामने आकर के बात। अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते, मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, अगला कदम यही हो सकता है फिर। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई, हमने उनको एक लेटर में ऐसे ब्लैंक पेपर में लिख करके उनको मतलब बर्थडे विश भी किया, उनको काफ़ी हमने बातें कही उनसे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई। डायरेक्ट अगर मेरी बातचीत होती तो ये बताएं यहाँ क्यों इतनी देर धूप में दौड़ रहे होते। 2 दिन पहले हम आए थे, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, है ना, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा था लेटर पहुँचा देंगे, अभी गए केशव प्रसाद, हाँ हमने उनको सारी बातें भी बताई, बहुत लोग थे तो उन्होंने कहा था ठीक है हम आपका जो लेटर है उन तक पहुँचा देंगे। अभी हम गए थे स्वागत कक्ष में, उनका स्टाफ बैठा हुआ है स्वागत कक्ष में, जो मीटिंग कराते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उन्होंने कहा ये लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, उन्होंने पढ़ भी लिया, उनसे बातचीत भी हुई है स्टाफ में, उन्होंने कहा लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, जब वो टाइम देंगे तब आपसे मिलेंगे। इसीलिए तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता है, इसीलिए लोग कहते हैं एविडेंस, तो भाई हम एविडेंस क्या दें, एविडेंस हम हैं जो एक मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हम भी जानते हैं, हमने कभी रिकॉर्ड नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं है कि उनको कभी ब्लैकमेल करें या कुछ ऐसा करें, तो कभी हमने रिकॉर्डिंग करी ही नहीं।